नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित, पद्मकार निर्वाणे, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम, उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है
वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुन्नार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम, परी बानो, मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है। फेंकना, जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी, गुलनार एंजल अवलिक, हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में, सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन, शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज, पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1, तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2, ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3, एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे हैं। गाना नंबर 4, मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5, आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देशपांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6, ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990, फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दियाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी
उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानू मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल अवले हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में सतीश सहा, देवदूत भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबलिक हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन, शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज, पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पीडी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानू मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश सहा देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल अवले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह, देवदूत भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणे संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमलाग से होता है। कमलाग के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है। फेंकना जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश सहा, देवदूत भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल अवले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणे संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है। फेंकना जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीज़ो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अतिव बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल अवले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश सहा, देवदूत भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणे, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है और मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह, देवदूत भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देशपांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम, उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल अवले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन, शमशुद्दीन राक्षस के रूप में धीरज, पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीज़ो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबलिक हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पीडी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम, उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओवले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओवलिक हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पीडी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत, जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित, पद्मकार निर्वाणे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम, उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत होता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। खातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अल्ताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबलिक हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990। फिल्म हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा, हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन, अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी, छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणे, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदुस्तानी, भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना
शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है, मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानो मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अति बाधा है फेंकना। जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरली के रूप में सतीश शाह देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाती के रूप में रजा मुराद सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र घाटगे, मैंडिकेंट के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर एक तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो ओए सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर तीन एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे हैं। गाना नंबर चार मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर पाँच आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक अनुपमा देश पांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर छः ऐ जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हातिम ताई मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हातिम ताई 1990 फिल्म। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने आरएम आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया है। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत और हसन कमल के गीत हैं। फिल्म का कथानक हातिम अलताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के प्रतीक हैं। निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री द्वारा लिखित पी डी मेहरा हसन कमल गीत द्वारा निर्मित रतन मोहन अभिनीत जितेंद्र, संगीता बिजलानी छायांकन के बैकुंठी द्वारा संपादित पद्मकार निर्वाणी संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरएम कला प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 1990। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदुस्तानी। भूखंड फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अलताई है और जब वह बैक्स्ता तक पहुंचता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आती है। वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है।
और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे तब तक किसी से शादी नहीं करने देंगे जब तक वह जीवित है। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में राजा से पूछने जाते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसके कारण मरियम की शादी नहीं हो सकती है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सुंदर झाड़ से मुग्ध होकर उसके कमरे में चली गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी सापित हो जाती है। धीरे धीरे उसने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। वह उसे एक श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जो भी शादी करेगी, शादी की रात को मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा क्षमा याचना करता है। वह उस पर दया करती है और उसके लिए आवश्यक 7 प्रश्न छोड़ देती है या किसी और को उत्तर देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के श्रापों को से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजरुल मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि प्रश्न अत्यंत कठिन है और उसे दूर और ख़तरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम ने वादा किया कि वह अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ 7 सवालों का जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब की तलाश में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे वे इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब दिया जाता है, गुलनार परी का एक हिस्सा जीवंत हो उठता है। सवालों के जवाब तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी में जान आ जाती है। मरियम का श्राप भी दूर हो जाता है। हातिम परी बानू मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी तलाश में हातिम का सामना जादूगर कमला से होता है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिंदारा। वह हातिम के साथ खोजों को दूर करने में अतिव बाधा है। फेंकना जितेंद्र हातिम अलताई के रूप में, संगीता बिजलानी गुलनार एंजल ओबले हुसना एंजल के रूप में, नजरुली के रूप में सतीश सहा देवदूत, भूमि के राजा के रूप में आलोकनाथ, वरजाति के रूप में रजा मुराद, सोनू बालिया, सायरा के रूप में जादूगर कमलाकी के रूप में अमरीश पुरी, देव कुमार मुखिया के रूप में दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीरी के रूप में विजेंद्र खाटगे, मैंडिकैंड के रूप में गोगा कपूर, दस्यु के रूप में जोगिंदर, परी के रूप में जैस्मीन शमशुद्दीन, राक्षस के रूप में धीरज पेराचोली के रूप में गीत संगीत हसन कमल ने सारे गाने लिखे हैं। गाना नंबर 1 तुम हसीन किस कदर हो, इस गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 ओ सनम, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 3 एक नज़र में देख, इस गाने के गायकार कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे हैं। गाना नंबर 4 मेरे मालिक मेरे दाता, इस गाने के गायकार मोहम्मद अजीजो हैं। गाना नंबर 5 आज बचना है मुश्किल, इस गाने के गायकार अलका याग्निक, अनुपमा देशपांडे और अमरीश पुरी हैं। गाना नंबर 6 ए जाने जाना, इस गाने के गायकार अनुराधा पौडवाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।